गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रामनारायण सिंह आज आप लोगों को 10वीं कक्षा का हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। हिंदी व्याकरण में आज संधि पाठ को आरंभ करता हूँ। संधि संधि की परिभाषा है, दो अत्यंत समीपवर्ती वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे राम जोड़ ईसा और रमेशा। संधि के कुछ नियम हैं, जिन नियमों के कारण दो वर्णों के मेल से विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं उन्हें संधि के नियम कहते हैं। ये परिवर्तन कभी सुविधा से अथवा शीघ्रता से किए जाते हैं। उदाहरण स्वरूप, पहला, कभी दो वर्णों के स्थान पर एक नया वर्ण बन जाता है, जैसे सूर जोड़ इंद्र। बराबर सुरेंद्र। दूसरा, कभी पूर्व वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, जैसे भोज और अस्ति। भावती। तीसरा, कभी कभी उत्तर पद के प्रथम वर्ण का लोप हो जाता है, जैसे बने जोड़ अस्ति, बने अस्ति। कभी पूर्व पद के अंतिम वर्ण का लोप हो जाता है, जैसे प्रजोड़ एजते, प्रेजते। कभी कभी दो वर्णों के बीच में एक नया वर्ण आ जाता है, जैसे हरि, जोड़ तुक, जोड़ छाया, हरि छाया। कभी कभी पूर्व पद के अंतिम वर्ण को द्वित हो जाता है, जैसे चलन जोड़ आगच्छति, चलन आगच्छति। व्याकरण में इस तरह के परिवर्तनों को ध्यान में रखकर कुछ नियम निश्चित कर दिए गए हैं। इन्हीं नियमों को संधि के नियम कहते हैं। अब आगे हमें देखना है संधि और संयोग। दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्या जोड़ आलय, विद्यालय। दूसरा, संयोग, दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के किसी भी प्रकार के परिवर्तन रहित मेल को संयोग कहते हैं। जैसे दिक्त जोड़ करी, करी। संधि और संयोग में अंतर केवल परिवर्तन का होता है। जहां दो वर्णों के मिलने से परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं, और परिवर्तन रहित मेल को संयोग कहा जाता है।
इसके बाद संधि के प्रकार पढ़ाए जाएंगे।